पंजाब के अमृतसर के जोड़ा फाटक के रेलवे ट्रैक पर 60 से 70 लोगों की मौत हो गई है। एक तरफ रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा था, दूसरी ओर 60 से अधिक 70 लोगों की ऊपर से ट्रेन गुजर गई। ट्रेन ट्रैक से ऊपर से लोगों की चपेट लेती हुई चिरती हुई चली गई। दशहरे का रावण का कार्यक्रम देखने के आए लोगों को परिवारजनों को ये मालूम नहीं था कि आज ये आखिरी रावण दहन का कार्यक्रम देखने आए हैं। हुआ ऐसा कि वर्षों से इस जोड़ा फाटक पर रावण दहन का कार्यक्रम होता चला आ रहा है। इसमें सबसे बड़ी कमी ये रही है कि वर्षों से ही दशहरा मैदान के बीचों बीच से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है। जब इस कार्यक्रम में भी मैदान में भीड़ बढ़ गई तो आधे लोग ट्रैक के इस पार थे और आधे लोग ट्रैक के उस पार थे। जैसे ही रावण को जलाया गया और आतिशबाजी चालू हुई तो भीड़ के लोग ट्रैक पर खड़े होकर रावण दहन की आतिशबाजी देखने ट्रैक पर खड़े हो गए और उसी दौरान ट्रैक पर खड़े सैकड़ों लोग ट्रेन के आने से उसकी चपेट में आ गए। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें दोषी किसको ठहराया जाए। खबर SS के लिए अमृतसर से, खबर SS की एक खास रिपोर्ट।